देखिए बीएससी में अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली जो ये हाइजेनबर्ग होता है इसमें हम ये कहते हैं बेसिकली ये जो रूल दिया था जर्मन फिजिसिस्ट ने दिया था हाइजेनबर्ग इन 1927 ये दिया था आपका 1927 में दिया था और दिस लॉ यू नो ये आप देख रहे हैं दिस लॉ बेसिकली स्टेट दैट हम ये कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन और मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ आर स्मॉल पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेटिटी ओके इफ इफ वी मेजर द पोजिशन एक्यूरेटली देन दियर विल बी अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी एंड इफ वी मेजर इड वेलोसिटी एक्यूरेटली देन दियर विल भी अनसल्टेंटिटी इन इर्स पोजिशन डेल्टा एक्स इज़ द चेंज इन पोजिशन डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओपॉइंट फोर पाए एम नाओ और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच ओपॉइंट फोर पाए बट मोमेंटम पी इक्वल टू एम इन टू वी सो देआर फॉर नाउ पुटिंग दिस वैल्यू यू गेट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कॉल टू एच अपॉइंट फोर बाई ओके तो ये जो इक्वेशन है सिग्निफिकेंस ये केवल छोटे पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज है ओनली इलेक्ट्रॉन एइटम प्रोटोन के लिए नॉट फॉर बिग पार्टिकल यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बातना ही करना है आपने ये लिखना है तो so, आप सिग्निफिकेंस में आप लिखें दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल सपोज आई टेक इलेक्ट्रॉन सो डेल्टा इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच वन फोर फाइव और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स ट्वेंटू पावर माइनस थर्टी फोर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स अपॉन फोर इंटू फाइव की वैल्यू थ्री पॉइंट वन वन फोर और इलेक्ट्रॉन का मास होता है नाइन पॉइंट वन वन इंटू ट्वेंटी पावर माइनस थर्टी वन के जी जब इसको हल करेंगे के जी के जी कैंसिल आउट तो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स जो कि ऑब्जर्वेबल है जिसको ये सिग्निफिकेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम कह सकते हैं इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपी नॉट फॉर बिग पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोपी क्यों अगर आप माइक्रोस्कोपी पार्टिकल लेते हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप पार्टिकल लेते हैं माना हम कोई मास लेते हैं एक ग्राम इसका मास है यानी टेंटी पावर माइनस थ्री के जी तो जब डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे एच ओपॉइंट फोर फाइव एम तो ये वैल्यू आएगी हल करके वही सेम वैल्यू रख देंगे एज की वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा टेंटी पावर माइनस ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स ये वैल्यू आएगी और इसको ये बहुत कम है जिसको कि ऑब्जर्व नहीं कर सकते ठीक so, है सो देअर फॉर वी कैन से दैट हाइजन वर्क ऑनस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा सिग्निफिकेंस पूछा जाता है इस बार भी बी एस सी थर्ड ईयर में पूछा जाएगा थैंक यू वेरी मच इसको हमेशा देना चाहिए पूछा भी जाता तब भी नहीं भी पूछा जाता तब भी हाइजेनबर्ग का का प्रिंसिपल दें रूल दें और उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दें सिग्निफिकेंस तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे सिग्निफिकेंस लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे हाइजन में ओके थैंक यू वेरी मच